इस गाड़ी ने मुझे हैरान कर दिया गाइस। ये मारुति सुजुकी SX4 है, दिल्ली नंबर है, फर्स्ट ओनर है, 2012 मॉडल है। इसकी बात जो प्राइस इसका सिर्फ 70,000 में चीज की हम गारंटी देंगे, एफिडेविट बनाएंगे देंगे, पुलिस रिपोर्ट बना के देंगे। ये है स्विफ्ट, इस गाड़ी तो साफ सुथरी सब कुछ था, पर ये देखो ये तो आते दिमाग खराब हो चुका है। देखो बस स्टैंड पूरा भरा पड़ा है लोगों से, कैसे हो सारे भाई, बढ़िया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप, सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में बहुत कुछ दिखाने वाला हूं आपको गाड़ियों से रिलेटेड। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे सस्ता मार्केट, पूरे दिल्ली का नहीं पूरे इंडिया का सबसे सस्ता मार्केट। अगर आपको खरीदनी नहीं आपके पास है बट आप बिजनेस चेक करना चाहते हो, बिजनेस मतलब यहां से गाड़ी 1-1.5 लाख में खरीदी, आराम से आप 2-2.5 लाख 3 लाख में बेच पाओ बाहर, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उस मार्केट का नाम है करोल बाग मार्केट, दिल्ली के अंदर जो पड़ती है। आज मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूं, बट मेरा जो बजट में देख के चल रहा हूँ वो लो बजट की गाड़ी दिखाऊंगा आपको, बहुत ज्यादा हाई बजट पर नहीं जाऊंगा मैं। 2 लाख तक का बजट पकड़ के चल रहा हूँ, 2,30,000 रुपए स्टार्टिंग है गाड़ियों की, और 2 लाख रुपए तक की गाड़ियां मिल जाएंगी आपको। 2 लाख रुपए तक मैं दिखाऊंगा कौन कौन सी मिलती है, i10 हो गई, i20 हो गई, ग्रैंड i10 हो गई, फैबिया हो गई, टाटा की भी गाड़ी है, सबका नाम मुझे याद नहीं। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो, नहीं लेने का सोचो तो भी देखो, नॉलेज गैदर करो, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, जैसे आप जानते हो नवरात्रि दशहरा बहुत कुछ, दिवाली का भी टाइम आ रहा है, तो इस टाइम बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, तो वो सब जानने के लिए चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो शूट करने के लिए, बट हालत देखो पीछे क्या है, इतनी तेज बारिश हो रही है, वीडियो में पता नहीं चल रहा बट बहुत तेज बारिश हो रही है, दिन के 1 या 2 बज रहे हैं पर कितना देर हो चुका है ये देखो। और बाल वाल मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, पूरे के पूरे जूते धोल ढाल के लाया था, सब गंदा हो गया, फोन भी गीला हो रहा है, बारिश गिर रही है, इस पर कितनी हो रही है यार, इतना पानी जमा हो चुका है गाइस। वहां से हम थोड़ा सा निकले थे और अभी हम चले थे, बट फिर से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, देख सकते हो यार पूरा दिमाग खराब हो चुका है। देखो बस स्टैंड पूरा भरा पड़ा है लोगों से, कैसे हो सारे भाई, बढ़िया। कोई बोल दिया, हाँ तो भाई कैसा लग रहा है बारिश में आपको, गाइस ये देखो आप, मोर दिखाया मैं, मोर दिखा मैं, मारो बस वाले को मारो इसको, गाइस जूते बिल्कुल सफेद थे, मैं घर से जाने को मिट्टी पता नहीं क्या क्या हो गया यार, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं रहा है, बस मैं घर जाना चाहती हूँ। गाइस ये देखो पेड़ वेड़ गिर गए ऊपर से, गाइस ये मंदिर है सिद्ध श्री हनुमान मंदिर, सबसे ज्यादा फेमस मंदिर है पूरे दिल्ली का, करोल बाग में आप आ सकते हो, आपको मेट्रो पर दिख जाएगा कभी। मेरा सवाल ये नहीं है क्यों, मेरा सवाल ये है कैसे। तो गाइस एक गाड़ी दिखी है यहाँ पे, एक क्या नाम है इस गाड़ी का, ए स्टार गाड़ी है यहाँ पे, मारुति सुजुकी हरियाणा नंबर है, और कितनी चली हुई है, कितने किलोमीटर, 37,000 किलोमीटर चली है, और कौन सा मॉडल है, 2010 मॉडल है, ये देख सकते हो गाइस आप अंदर से फुल ऑटोमेटिक है, सही है, हाँ ये है ना गियर लॉक वगैरह, इसकी गारंटी ने तो साफ सुथरा है, गाड़ी साफ सुथरी है, गाड़ी साफ सुथरी, 37,000 चल रही है बस, गाड़ी एक नंबर लगी बट थोड़ी सी चींटियां चढ़ गई हैं यहाँ पे। गाइस गाड़ी तो साफ सुथरी थी सब कुछ था, पर ये देखो ये तो आते क्या दिखा रहे हो तुम यार, तो यही खुल गई सारी, अच्छे खासे आप समझ लो 4 साल बच रहे हैं खुशी खुशी से, और सिर्फ 1,20,000 रुपये में बात हो रही है, और अभी कम वम भी करा के 1 लाख तक करा दूंगा इस गाड़ी का। तो गाइस ये है स्विफ्ट, देख सकते हो आप पीछे से, मारुति सुजुकी स्विफ्ट दिल्ली नंबर है, फर्स्ट ओनर है, एक तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, वगैरह कुछ बम्पर सम्पर पेंट होते हैं हाँ, तो वो चीज़ नहीं है, मगर गाड़ी बहुत अवेलेबल कार है, ब्रांड न्यू है, इंजन एक्सीडेंट की गारंटी मिलेगी आपको। और तो ये कितने की गाड़ी है, या मांगने को 275 है हाँ, बाकी आपको 210 के अंदर ना मिल सकती है। टायर अभी सर्विस रिकॉर्ड है इसका, सर्विस रिकॉर्ड है, टायर कब है लास्ट सर्विस इसकी, सर लास्ट सर्विस हुई थी अभी कुछ 1 महीने पहले, पेपर है, इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस है, कितना बच रहा है इंश्योरेंस, अभी इंश्योरेंस पड़ा है, अभी होगा जो भी होगा 7-8 महीने का, जो भी गाइस गाड़ी का इंटीरियर देखते हो आप, गाड़ी एक तो एलेक्स आई थी, 2 पावर विंडो थी बस, महंगी थी, 2 लाख कुछ के बता रहे हैं तो बहुत महंगी है। i10 मिल रही है, नंबर देख सकते हो, 2011 है, सिंगल ओनर है, 2011 है, सीट कवर लगाया हुआ है, अच्छा वाली है, तो इसकी चाबी कहाँ से लाए पहले ये बताओ। भाई ये वाली गाड़ी कितने की मिल जाएगी, 5 कितने की गाड़ी है, 5 टायर 4 सही है ना, हवा हवा गाड़ी थी, देखते हो गाड़ी दिल्ली नंबर है, 2011 मॉडल है, और पेट्रोल कंडीशन वाइज तो अच्छी लग रही है, अभी तक तो साफ दिख रही है बाहर से, अंदर चलते हैं। 11 है, फर्स्ट ओनर है, फुल इंश्योरेंस है, गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन लगा हुआ है, एक्सीडेंट चोरी चकार की गारंटी है,
बाकी गाड़ी में थोड़ी बहुत टचिंग मिलेगी, मैट एक्सीडेंट वगैरह आपको नहीं मिलेगी, उस चीज की हम गारंटी देंगे, एफिडेविट बनाएंगे देंगे, पुलिस रिपोर्ट बना के देंगे। गाड़ी लो, चेक करो, कोई दिक्कत आती है तो हमें बताओ। एसी चालू हुआ, आप स्टार्ट करके स्टार्ट करके मार रहा है वो तो हो जाए। तो चलो अब हम ये कार लेके जा रहे हैं भाई। बाय बाय। बहुत ज्यादा है तो 72,000 किलोमीटर चली है तो 72। और इसका चेक करता है, इसका गिरेगा तो नहीं। चलो इसका सही है। ये तो कार कंडीशन वाइज मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, साफ कार है एकदम। तो गाइस बहुत अच्छी लग रही है कंडीशन वाइज। सीट पे थोड़ा सा डेंट काटे वटे लगे मेरे को, बट थोड़ी ज्यादा चली भी लग रही है, चलने में थोड़ी दिक्कत लग रही है। मतलब 72,000 किलोमीटर यार ये बहुत ज्यादा हो गया है ना। अगर ये प्राइस इसका अगर सही लगाएगा तो फिर इसका प्राइस तेरे साथ कितना होना चाहिए जितनी तूने देखी गाड़ी। अभी इंजन में जाना अच्छा चेक नहीं किया। मॉडल कौन सा बताया? 2011। 2011 150,000। इसका तो बटन नहीं निकला पड़ा है, हो जाएगा ठीक। 60,000 कुछ ना कुछ निकला ही जाता है इन गाड़ियों में। कितना? 160। देखो थोड़े बहुत है खारी में, खराबी सीट भी कटी पटी है। नहीं भैया देखो, एक वो एक मिनट मेरी बात तो सुन लो आप। और दूसरी दिक्कत भाई मुझे लग रही है कि चली बहुत ज्यादा है, मतलब 72 बार कर गई। एक्सीडेंट वगैरह की या मीटर की गारंटी होगी? वो तो है, वो बात नहीं है। बस कहता हूँ। और बाकी देखो बटन में देख रहा हूँ, बटन भी देखो यार हाथ में, ठीक है भाई। कोई छोटी मोटी जो होगा वो आपको हम करवा के दे देंगे। और अभी स्क्रीन तो मैंने टच की नहीं, म्यूजिक मैंने टच किया नहीं, तो मुझे प्राइस इसका कितना है इसका भैया? मांगने को 2,00,000 रूपए, 190 के अंदर आपको ये गाड़ी मिल सकती है। ज्यादा यार प्राइस, प्राइस ज्यादा है। डेढ़ सही है इसके लिए। डेढ़ तो भैया बहुत कम है, डेढ़ में तो अभी तो मैंने इंजन विंजन भी चेक नहीं किया, अभी तो इंजन विंजन भी देखूंगा, अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं। ये मिल सकती है 160 डेढ़ की, 2009 है, ब्रांड न्यू कार है। 2009 ब्रांड न्यू कैसे हो सकती है? थोड़ा बहुत काम तो आप कोई भी गाड़ी लो थोड़ा बहुत कराना ही पड़ेगा, वो तो आप कितनी भी वो तो कराना ही पड़ेगा। आप गाइस दूसरी गाड़ी में आए हैं। एक चीज तो मैंने देख ली, क्या की विंडो काम नहीं कर रही है, विंडो लॉक भी खोल दिया मैंने, लॉक खोल अभी, अब काम कर रही है। ये वाली नहीं चल रहा, बट इधर से 2009 मॉडल है ये, और थोड़ा सा एसी में उतना इशू दम नहीं है, दम नहीं है। और मेन बात दिक्कत ये है कि वो 70,000 चली थी तो मुझे वो ज्यादा लग रही थी, तो भाई ने मुझे जो गाड़ी दिखाई वो देखो कितनी चली हुई है, 81,000। क्या पूरी ऑल इंडिया ट्रिप पे गया था क्या बंदा? इस पे फोकस करो आप, थोड़ी सी खटपटाहट है। बाकी सीट कवर छपरी वाले लगा रखे हैं बंदे ने, खचरा होगा फुल जिसकी गाड़ी है ये तो मैं मानता हूँ। गाड़ी, इस गाड़ी ने मुझे हैरान कर दिया गाइस। ये मारुति सुजुकी SX4 है, दिल्ली नंबर है, फर्स्ट ओनर है, 2012 मॉडल है, पेट्रोल CNG दोनों करके है, और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। पर गाड़ी कंडीशन देखो यार बहुत अच्छी, अभी चाबी भी आ रही है गाड़ी, अंदर से भी दिखाऊंगा आपको। वैसे अब तक आप ऐसे देखो अच्छी लग रही है मेरे को कंडीशन बहुत ज़्यादा यार। आप देखते हो शीशा है इसके अंदर, सिस्टम लगा के रखा हुआ है, आगे से आप आ सकते हो, चेक करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप गाइस सबसे हैरान करने की बात, जो राइट इसका सिर्फ 70,000 रुपये मांग रहे हैं। जो SX4 थी 70,000 रुपए की थी, बट इसमें दिक्कत ये थी कि इस गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ 1 साल और 2 महीने बच रहे हैं, तो टाइम बहुत कम है, बट तब भी सस्ती मिल रही, सही थी अगर आपको 1 साल ठस्सा मारना है तो सही है। ये गाड़ी है Hyundai i20 टॉप मॉडल है, दिल्ली के नंबर प्लेट है, सेकंड ओनर है। गाड़ी की कंडीशन है बिल्कुल एमेंट कंडीशन लग रही है मेरे को यार। आप शीशा वगैरह देख सकते हो, सब कुछ सेट है, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा बहुत है, इतना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप देख सकते हो शीशा वीशा। अंदर इंटीरियर भी दिखाऊंगा आपको, पहले आप गाड़ी बाहर से देख लो। इशू लगा कि यार कि दो टायर अलग कंपनी के तो थोड़ा मुझे इशू लगा, बट वो कह रहे हैं कि ये वो। बाकी अंदर से देखता हूँ कैसी क्या है, ऑन करके देखते हैं, उसका थोड़ा टेस्ट ड्राइव भी लेके देखते हैं। इसका आते हैं, वेज कंट्रोलिंग हाथ में आती है, फोन कंट्रोलिंग आती है। अच्छा, इसमें ये चीज़ है, स्टीरियो हाथ में आता है, सब कुछ इसका हाथ में। ये क्या आवाज़ आ रही है? आवाज मार रही है, तो बारिश की वजह से भी शायद धुआं आ रहा होगा, बारिश की वजह से भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं, अभी चेक किया जाएगा, अभी गाड़ी में देखते हैं। और ये इंटीरियर देख सकते हो, इंटीरियर भी है, धुआं मार रही है तो पीछे बहुत तो इंटीरियर देख सकते हो बैक से आप, गाड़ी सीट गियर वेयर ये रहे, और इसके HDFC से किसी ने पैसे निकाले हैं 496 रुपये भी देखते हो। रूम तो अच्छा है यार i20 में, बड़ी कार है। गाइस मुझे ये गाड़ी अच्छी लग रही है, और इसका प्राइस इन्होंने बोला है कि भाई 2,00,000 रुपये है, 2011 मॉडल नए, हाँ 2011 मॉडल है, तो 2,00,000 रुपये इन्होंने मांगे हैं, जो कि ठीक ठीक प्राइस है, बट कम करा के मुझे उम्मीद है 190 तक पहुँच जाएंगे, है ना, 190 तक मेरे को लगता है अच्छी डील है, अच्छी गाड़ी है। गाड़ी में क्या क्या चला? बटन से आपके दोनों शीशे खुल गए। गाड़ी देखते हो टाटा की गाड़ी, भाई कौन सी बता दो चल जल्दी। 2011 नेक्सो है, अपना सबसे टॉप एंड मॉडल है। हाँ, सिंगल ओनर फुल इंश्योरेंस पर 11,000 तो 11,000 चली हुई,
आप कार के एक्सीडेंट से लेके हर चीज की गारंटी है गाइस। अंदर इंटीरियर देखो यार, प्राइस आता है भैया वो न्यू प्राइस है आपका इसका 11 लाख रुपए, 11.5 लाख रुपए। बाकी इस टाइम आपको 8 के अंदर अंदर ये कार मिल जाएगी गाइस। ये देखो आप इंटीरियर देखो पहले, यार मैं दीवाना हो गया हूँ, बिल्कुल नई लग रही है गाड़ी, देखो पन्नी वन्नी फुल। ये देखो यार आप ये देखो ब्रांड न्यू कार है, बिल्कुल देख सकते हो पुश बटन स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक है। और बताओ इसके फीचर्स बताओ भाई कुछ। फीचर है इसमें सबसे टॉप एंड मॉडल है, इसमें सारे फीचर है, आपको कुछ भी नहीं करा रहा, ब्लूटूथ टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इसमें, आप एयर इंशीन कर सकते हो, सीट कवर वगैरह सब कुछ नए डले हुए हैं इसके अंदर। कितनी चली है ये? चली आपको 11,000, मतलब गारंटी तो 11,000। और कौन सा मॉडल है? 2019 मॉडल है। तो गाइस अभी 2 साल ही हुए हैं गाड़ी को, ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, मतलब बम्पर टू बम्पर मतलब स्टेपनी का टायर आज तक अनयूज भी नहीं हुआ इसका, इसमें 7 गियर होते हैं, सब कुछ सही है गाड़ी का। बट एक दिक्कत लग रही है मुझे गाड़ी के अंदर, ये है कि 2008 मॉडल है, तो टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 साल बच रहा है। गाड़ी फर्स्ट ओनर है, कितनी किलोमीटर चली है? 60,000 किलोमीटर चली है, और विद रिकॉर्ड, विद रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड सारा है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस होगी तो मिल जाएगी, इंश्योरेंस भी होगी तो मिल जाएगी, और आपको वारंटी वगैरह सब मिल जाएगी। गाड़ी अंदर से बहुत साफ लग रही है 2000 के हिसाब से, बट ये दिक्कत है कि साल बहुत कम है, मेरे को खुद को भी लेनी थी बट साल का इशू हो रहा है। और प्राइस क्या मांग रहे हो भाई आप इसका? इसका 180 बोल रहे हैं भाई, लेकिन अंदर जब सर से बात हुई थी उन्होंने बोला था 160 के नीचे बेचूंगा नहीं मैं, 160 है यस या नो? प्राइस ज्यादा है यार, मेरे हिसाब से इसके 120 पूरी ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, सब कुछ ठीक है, कोई चीज में कमी हो तो बताओ कि ये कमी चीज की लग रही है तो फिर आपकी बात करेंगे। आपको सब मैसेज चालू है, चलो भाई दिखा दिया हमने, इशू दिखा दिया, अब कितने कम होंगे? 30-40। इससे गाइस गाड़ी एक नंबर है यार, मजा आ गया गाड़ी देखकर, बहुत अच्छी है, बट वही दिक्कत है कि 2 साल बच रहे हैं और 2 साल के हिसाब से पैसे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। एक्सीलेटर मारो ना थोड़ा सा, इस गाड़ी में थोड़ा बहुत सीट पे थोड़ा स्क्रैच वैच थे, तो उनका प्राइस इन्होंने डिमांड रखी है 120-130 लाख, 1,20,000-1,30,000 तक की डिमांड थी, और भी कम हुआ थोड़ा बहुत, बट दिक्कत ये लगी उसमें यार थोड़ा बहुत स्क्रैच वैच अंदर से गाड़ी में। i10 मैगना दिल्ली नंबर, 60,000 किलोमीटर चली है। तो गाड़ी अभी गाड़ी का हम टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं एक और गाड़ी का, जो ये मॉडल थी बड़ी अच्छी लगी थी यार ये गाड़ी, इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, बट क्या ये गाड़ी सर्विस से चलने में उतनी ही अच्छी होगी या नहीं अभी चेक करते हैं भाई के साथ। और भाई ने गाड़ी निकाल ली है, बस अब थोड़ा बहुत रिएक्शन देखते हैं। इसका वाइपर नहीं चल रहा है, A1 पास, मेरी तरफ से पास, आपकी तरफ से भाई? हमारी तरफ से तो एंड टाइम पास ही होती है, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, तुम एग्जाम नहीं लेते सीधे पास। अब देखो गाड़ी का, अभी रात के 1 बज रहे तकरीबन, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं घर पर दे रहा था, चला सकता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो गाइस असल में मैं आते ही सो गया था, बहुत ज्यादा थक गया था, और आज बहुत ज्यादा थकान हुई, सुबह 10 बजे गए, भीग गए, और भीग के फिर वो कपड़े सूख भी गए आते आते, और अभी भी वही कपड़े पहन रखे हैं मैंने, अभी तक मैं ही कपड़ों में जींस में ही सो गया था, इसी में अगर दिख गई तो दिख गई, नहीं तो नहीं दिखी तो कोई रिवाइंड कर लो, कपड़ों में सो गया था, और अब उठाऊं फाइनली और ब्लॉग एंडिंग करता हूं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अगर फेसबुक पे देखो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, लाइक कर लो। आपको मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, मैं हूं मुस्कान मुनीर और आप देख रहे हैं मुस्कान ब्लॉग्स, तो चलिए खत्म करते हैं।